हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कि रात में यानी कि 3 दिसंबर की रात में जो कोर अपडेट आई हुई है, दिसंबर की गूगल कोर अपडेट आने हुई है, उससे आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं, आप किस प्रकार से उसको रिकवर करके आप किस तरह से फिर से अपनी रैंकिंग जहाँ पे थी वहाँ पे ला सकते हैं। बहुत लोगों की रैंकिंग डाउन हो चुकी है यहाँ पे इस कोर अपडेट की वजह से। तो यहाँ पे दिसंबर का कोर अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे गूगल ने ऑफिशियली यहाँ पे जो है अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया हुआ था। और दोस्तों, मेरे भी एक दो साइट है वो यहाँ पे जो है रैंकिंग गिर गई है। अगर आपका जेन्युइन कंटेंट है तो रैंकिंग थोड़ा बहुत गिर सकती है या फिर नहीं भी गिर सकती है। तो मेरा फर्स्ट नंबर से सेकेंड पे आ गई है, ठीक है। तो इसको रिकवर आप कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो में अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस प्रकार से रिकवर करें। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं कर पाए, ताकि जो भी वैल्यूएबल कॉन्टेंट्स आपको हो, जो भी आपको ज़रूरत हो, वो सारा कुछ अभी यहाँ पे मैं आपको सॉरी इस चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे रिकवर करने का तरीका है कि आप अगर आपकी रैंकिंग थोड़ी बहुत गिरी है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत कंटेंट उसमें और ऐड करना है। थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड करने के बाद दोस्तों आपको एक दो बैकलिंक्स बनानी है और 10-15 दिन में आपका फिर से वही रैंकिंग चली जाएगी, ठीक है। तो ये काम आपको सबसे पहले करनी है। बैकलिंक नहीं बनाते हैं, ठीक है, आप बैकलिंक नहीं बनाते हैं तो आपको सिर्फ कंटेंट को, जो कंटेंट है उसको आप अपडेट कीजिएगा। अगर आपको लो कंपटीशन कीवर्ड होगा तो फिर से वहां पे रैंकिंग बन जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है कि रैंकिंग ज़्यादा गिर गई है, मतलब कि गूगल में पता ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि या तो आपने वो ऐसा कंटेंट को कॉपी किया होगा, या कॉपीड कंटेंट रैंक किया होगा, या फिर एनीथिंग कुछ भी, मतलब जो गूगल या एल्गोरिथम के खिलाफ था, ठीक है, वो चीज़ अगर आपने किया होगा तो वह चीज़ आपको आप रिमूव हो गई, ठीक है। तो वो भी वापस आएगी, फिर से आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। जो कि ब्लैक हैट एसईओ करते थे उनके लिए भी ये सब सारा रैंकिंग गिर चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार आखिर एल्गोरिथम आती क्यों है, गूगल का कोर अपडेट या कोर कुछ भी अपडेट जो होते हैं वो क्यों होती है, ठीक है। जैसे कि पिछली बार 10 अगस्त को हुई थी, तो आखिर होती क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे एसईओ एक्सपर्ट होते हैं कि रैंक करवाने की कोशिश करते हैं, रैंक करवा लेते हैं, जो कि गूगल का एल्गोरिथम को हैक कर लेते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि पहचान लेते हैं कि हाँ इस काम करने से ही रैंकिंग मिलती है, ठीक है। तो गूगल को जैसे लगने लगता है कि हाँ नहीं, अब एल्गोरिथम को हमें चेंज करना चाहिए, रैंकिंग एल्गोरिथम चेंज करना चाहिए ताकि लोगों को रैंक करने में आसान हो और नहीं मुश्किल हो और आसानी से नहीं रैंक करवाए। क्योंकि जो कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, अगर रैंकिंग फैक्टर जानने के बाद यानी कि एल्गोरिथम को जानने के बाद वो क्या करेंगे, जो वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है वो भी रैंक करवा देंगे, ठीक है। तो इससे नुकसान होगा यूजर को और गूगल को भी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे गूगल पे ट्रस्ट जो है मिट जाएगा। इसी के चलते गूगल कोर अपडेट वगैरह आते ही रहती है, ठीक है। तो ज़्यादा खास अपडेट नहीं है, बस इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा बहुत अपडेट वगैरह कर देते हैं तो आप वहाँ रैंकिंग में आ जाएगी। अगर रैंकिंग में नहीं आती है तो आप लोग हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द अपने एक एसईओ एजेंसी का कंपनी लॉन्च करने वाला हूँ, तो आपको किस प्रकार से वहाँ पे फायदा वगैरह मिलने वाली है सारा कुछ आपको डिटेल में एक वीडियो जब लॉन्च हो जाएगी, तो आपको जब रजिस्टर हो जाएगी तो आपको वहाँ पे मैं एक वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एक खास वीडियो में।